हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं पांच नए इंग्लिश वर्ड्स, उनके मीनिंग, और समझेंगे उन्हें हम एग्जांपल से। तो चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा रफ स्लीपर, अ पर्सन हु हैज़ नो होम एंड स्लीप्स और लीव्स आउटसाइड, यानी कि वह इंसान जिसके पास घर नहीं होता, वह बाहर ही रहता है और जहाँ उसे जगह मिलती है वहीं पर सो जाता है। एग्जाम्पल है इसका, द रफ स्लीपर्स आर स्लीपिंग आउटसाइड द टेम्पल। दूसरा वर्ड है हमारा सेल्फहुड, द क्वालिटी विच मेक्स अ पर्सन और थिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। एग्जाम्पल है, निशाज सेल्फहुड मेड हर फेमस। अगला वर्ड है हमारा डिट्स, क्या है डिट्स? अ पर्सन हु डजंट थिंक इन अ क्लियर और प्रैक्टिकल वे और हु फॉरगेट्स थिंग्स, वह इंसान जो प्रैक्टिकली नहीं सोचता और चीज़ों को भूल जाता है। एग्जाम्पल है, शी इज़ अ गुड फोटोग्राफर, वह अच्छी फोटोग्राफर है, बट डिट्स वैन कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग हर लाइफ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है जब बात आती है उसकी लाइफ को व्यवस्थित करने की। अब मैं यहाँ आपको एक बात बता देती हूँ, कुछ लोग अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उनके आसपास क्या होता है वो इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते। अगर आप उनको कोई ऐसी बात बताओगे जिनका उनके काम से कोई मतलब नहीं है तो वो उन बातों को भूल जाते हैं, इवन वो उन चीज़ों को भी रखकर भूल जाते हैं जो उनके काम से रिलेटेड नहीं है। इस तरह के लोगों के लिए भी आप डिट्स यूज़ कर सकते हैं, क्या कहेंगे? डिट्स। अगला वर्ड है हमारा जैफ्टिग, ये एडजेक्टिव होता है, इसको हम यूज़ करते हैं वीमेन के लिए। इसका मतलब होता है स्लाइटली फैट इन अ वे दैट इज़ एट्रैक्टिव, थोड़ा मोटा होना जिससे कि आप अच्छे लगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सुधा इज़ जैफ्टिग। वैसे मुझे तो ज़्यादा पतली लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, इसलिए लड़कियों को जैफ्टिग होना चाहिए, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज़ अगर कोई बहुत पतला है तो नाराज़ मत होना। अगला वर्ड बहुत मज़ेदार है, जिसे हम यूज़ करते हैं मोस्टली मूवी वगैरह के रिव्यू देने के लिए, ये है बफेव। क्या बोलेंगे इसे हम? बफेव। इसे हम यूज़ करते हैं मूवी, वीडियो, फिल्म का रिव्यू देने के लिए। मतलब होता है इसका इम्प्रेसिव, वेरी गुड, वेरी सक्सेसफुल। द ऑडियंस गेव द मूवी बफेव रिव्यू, ऑडियंस ने मूवी का अच्छा रिव्यू दिया। ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक, रिव्यू का मतलब होता है किसी पर पुनर्विचार करना, ये बताना कि इसमें परिवर्तन की जरूरत है या नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरी वीडियो का रिव्यू भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।